एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करते हैं तो उस समय तो लगता है कि हम बहुत शुद्ध और साफ हो रहे हैं, हमारा मन साफ हो रहा है, लेकिन जैसे ही संसार में उतरते हैं तो फिर वही मन, फिर वही आपाधापी, फिर वही दौड़ भाग, फिर वही तृष्णा, फिर वही कंपटीशन, फिर वही एक दूसरे की बुराई, निंदा, सब कुछ वही संसारी मन आगे आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्या हमारे पास दो मन है? नहीं, दो मन नहीं है, मन एक ही है, और मन तो ज्योति स्वरूप है, शुद्ध और निर्मल है। मन को अगर किसी भी तरह से, अगर आज हम जो स्थिति में मन को देख रहे हैं, अगर वो ऐसा है तो उसके पीछे कोई और दूसरा कारण नहीं है, दूसरा कारण हम ही हैं। हमने ही उसको इस तरह से बनाया है, हमने ही उसके ऊपर इतनी कंडीशनिंग की है। और जब हम विपश्यना करते हैं तो उस समय वह जो निर्मल मन, जो वह शुद्ध मन जिसकी हमारी नींव है, जिस नींव के ऊपर हमने गंदे गंदे गिलाप लगा दिए, जिसके नींव के ऊपर हमने कंडीशनिंग कर दी, हमने मैल चढ़ा दी, वह मैल उस समय दिखाई नहीं देती। कारण यह नहीं कि वह मैल वहाँ है नहीं, कारण यह है कि अभी हम शुद्ध मन के साथ उसको विपश्यना में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से कंडीशनिंग बार बार आती है, लेकिन हम उसको देखकर उसको फिर किनारे को कर देते हैं। जैसे ही उसको देखते हैं तो फिर वो दूर चला जाता है। जैसे ही हमने कोई वेदना देखी, वो वेदना उदय और अस्त होते हुए दिखाई देती है ना, इसीलिए। लेकिन जब हम संसार में दोबारा से जाते हैं तो वहाँ वेदनाओं का पता ही नहीं चलता, उदय और अस्त की बात ही कहाँ है। वहाँ तो फिर से वही राग, वही अलाप, वही जो चल रहा है उसी में वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह ऊपर से लगे हुए संस्कार फिर से सामने आने लगते हैं, वही तृष्णा, वही कंपटीशन, वही दौड़ भाग, वही झूठ मिथ्याचरण, वही क्रोध, वही असत्य की बातें, वही झूठ की बातें, वह सब सामने क्यों आने लगती हैं? क्योंकि वह जैसा देखता है उसी को नकल करने लगता है, और वो तो अंदर है ही, उसकी वही प्रतिलिपि, वही छवि सामने उतरने लगती है। मन तो वही है, उसको जैसा हम बनाते चाहते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं, वो वही रूप लेने लगता है। और उस रूप में उसको देखने के लिए, उसके शुद्ध रूप में उसको देखने के लिए हम विपश्यना की तरफ आते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह किसी भी प्रकार का कोई माया जाल या इंद्रजाल नहीं है विपश्यना। विपश्यना तो शुद्ध मन को देखने और समझने की बात है। किसी भी प्रकार की कोई बाहरी बातें, किसी भी प्रकार का कोई बुद्धि और तर्क यहाँ काम नहीं आता। विपश्यना तो सीधे और साफ तकनीक है जो करनी होती है। इसमें कुछ भी पढ़ना, लिखना, याद करने जैसा नहीं है। इसको तो सीधे सीधे बैठकर इसका स्वाद लेना होता है, इसको अनुभव करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई किताबें पढ़नी होंगी, इसके लिए कोई बात विवाद करना होगा, इसके लिए कोई बुद्धि लगानी होगी, कोई बौद्धिक खेल खेलना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम विपश्यना की तरफ बढ़ें
भी पसीना में उतरें तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी बुद्धि से लेना देना नहीं है, यह तो सीधे सीधे करने वाली बात है। और किसी भी प्रकार का कोई रूढ़िवाद, किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल, किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड, किसी भी प्रकार का कोई धर्म से संबंधित यहाँ पर कुछ भी नहीं। इस बात को भी अच्छे से मन में बैठा लेना चाहिए कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड काम नहीं आता। हम अपने पूरे जीवन में शुरुआत से लेके जितनी भी हमारी उम्र हो चुकी है, हम उसमें कर्मकांड और रूढ़िवाद से फंसे हुए हैं, क्योंकि हम ऐसे सामाजिक समाज का हिस्सा हैं, ऐसे सामाजिक माहौल में हमारा जीवन चलता है। किसी भी प्रकार का कहीं ना कहीं अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की के रिचुअल्स हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी प्रथाएं हैं, उनका जीवन जीने का तरीका है। लेकिन विपश्यना में इस किसी भी प्रकार का कोई भी रिचुअल्स काम नहीं आता। यह तो सीधा सीधा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच करने के लिए, और करना भी कहीं से बाहर से कुछ भी लाना या बटोरना नहीं है। कोई भी इंतज़ाम बाहर की तरफ से नहीं करने हैं। कोई मंदिर की ज़रूरत नहीं, कोई आकृति की ज़रूरत नहीं, कोई दिमागी मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की इमेज को बनाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई माला, किसी भी प्रकार का कोई पुष्प, किसी भी प्रकार का कोई दिया, किसी भी प्रकार का कोई भी रिचुअल यहाँ करना नहीं होता। यह तो अपने से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, अपने से जुड़ा हुआ मेथड है। इसमें अपनी तरफ आना होता है, अपने को देखना होता है। इसमें बाहर का, दूसरे का, दूसरे से, तीसरे से कोई भी संबंध नहीं, सिर्फ अपने से संबंध है। हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं, प्रकृति हम में पूरी तरह से खिल रही है। प्रकृति हम में पूरी तरह से कैसे खिलती है, हम प्रकृति का हिस्सा कैसे हैं, इसको बुद्ध ने कहा कि चार धातुओं से मिलकर यह शरीर बनता है। इसमें मिट्टी है, इसमें हवा है, इसमें पानी है, इसमें आग है। इन चार धातुओं से मिला हुआ यह शरीर, बना हुआ यह शरीर इन प्रकृति की चार धातुओं से ही चलता है। इसलिए यह प्रकृति कुदरत से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और अब हम जब हम विपश्यना करते हैं तो कुदरत के साथ एक होकर करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी दिखावा, कोई बाहरी बनावट, कोई अप्राकृतिक रूप से कुछ भी नहीं, प्राकृतिक रूप से है। प्राकृतिक रूप से क्या है? प्राकृतिक रूप से है कि जो सांस इस शरीर में जा रही है, जो सांस इस शरीर से आ रही है, उस पर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर देना है। समस्त मन की बाहर की तरफ फैली हुई प्रक्रिया को, बाहर फैले हुए ध्यान को खींचकर आती जाती सांस में केंद्रित कर देना है। कुदरत जन्य तरीके से चल रही सांस में अपने ध्यान को लाकर इकट्ठा कर देना है। किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल नहीं, किसी भी प्रकार का दूसरे से कोई संबंध ही नहीं, किसी और की सांस नहीं देखनी, किसी और से कोई वार्तालाप नहीं करना, किसी मन में किसी भी प्रकार का कोई मंसूबा नहीं बनाना, मन में किसी भी प्रकार की इमेज नहीं बनानी, किसी भी प्रकार का गुणगान नहीं करना, दूसरे से यहाँ कोई संबंध ही नहीं है, बुद्धि से यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ तो समस्त बुद्धि को, समस्त तर्क को, समस्त ज्ञान को एक तरफ रख देना होता है। सीधे सीधे जो भी कुदरत की तरफ से सांस अंदर आई,
उस पर ध्यान केंद्रित करना है, सांस बाहर को गई उस पर ध्यान केंद्रित करना है, बाकी सब कुदरत स्वयं कर रही है। कुदरत स्वयं हमारे खाने को पचा रही है, कुदरत स्वयं हमें खाना दे रही है, कुदरत स्वयं हमारे अंदर हवा के माध्यम से पूरे शरीर को चलायमान कर रही है। इसमें खून दौड़ रहा है धमनियों में, इसमें अंग जितने भी अंग हैं उन सब को जीवित रखने के लिए, उन सब को कामकाज में लगाए रखने के लिए कुदरत स्वयं ही काम कर रही है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। सोचो, क्या हम लीवर को कोई आदेश देते हैं कि चलो अब तुम्हारा काम शुरू हुआ? क्या हम हृदय को कोई आदेश देते हैं कि चलो अब तुम्हारा काम शुरू हुआ? बौद्धिक रूप से हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। एक प्रक्रिया कुदरत जन्य तरीके से स्वयं चल रही है, और जिस समय कुदरत नहीं चाहेगी उस समय यह प्रक्रिया अपने आप रुक जाएगी। कुदरत जब इन सांसों को खींच लेगी, जब कुदरत इन सांसों को अंदर नहीं प्रवेश करने देगी, उसी समय यह शरीर जमीन में गिर जाएगा। इसमें इसके चारों धातु अलग अलग हो जाएंगे, इस शरीर से पानी निकलने लगेगा, इससे हवा निकलने लगेगी, इससे इसकी इसका ताप जाता रहेगा, इसकी गर्मी जाती रहेगी, और इसमें जो भी मिट्टी में समा जाने वाला भाग है वो मिट्टी में समा जाएगा, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में यह शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा और स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस शरीर में अभी जो कुछ भी चल रहा है यह एक रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए ही विपश्यना के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि इस रहस्य को समझें, और यह रहस्य इसके अंदर रूप और नाम के माध्यम से समझ में आता है। रूप यानी शरीर चाहिए, नाम यानी मन चाहिए। शरीर और मन के द्वारा चल रही यह पूरी प्रकृति को समझने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए हमें विपश्यना का सहारा लेना होता है। इसलिए विपश्यना एक ध्यान विधि है जिसमें हम किसी भी प्रकार का बाहर का कोई दिखावा नहीं करते, बाहर के कोई रिचुअल, बाहर का कोई आडंबर, बाहर का कोई कर्मकांड, बाहर का कोई रूढ़िवाद यहाँ नहीं होता। अब हम जब विपश्यना शुरू करते हैं तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि जो भी सांस कुदरत की तरफ से आ रही है उस पर अपने मन को लाकर, अपने ध्यान को लाकर केंद्रित कर देते हैं, और यहाँ से हमारी विपश्यना की शुरुआत हो जाती है। हम अपने अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं, अपने मन में अंदर की तरफ जाते हैं, देखते हैं शरीर के अंदर वेदनाएँ उठ रही हैं, देखते हैं चित्त के अंदर वेदनाएँ उठ रही हैं, देखते हैं कि चित्त में धर्म लगे हुए स्वभाव है, चित्त का बना हुआ है, आदतें लगी हुई है। उन स्वभाव, उन आदतों को देखते हुए उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। वो सब जैसे जैसे हम अपने अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर इतनी जागृता आने लगती है, इतनी अंतर्प्रज्ञा हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है कि हमें अपने धर्म साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, अपनी आदतें, अपना स्वभाव, अपना जो भी हमने अब तक संस्कारों के माध्यम से लगाया है, जो भी हमने अब तक कर्मों के माध्यम से लगाया है चित्त में, जो हमारे अंदर एक पैटर्न बन चुका है, एक आदत बन चुकी है, एक स्वभाव बन चुका है, वो सब कुछ ही हमें साफ साफ नज़र आता है, और वो व्यय होते हुए दिखाई देता है, वो उठते हुए भी दिख रहा है और वो नष्ट होते हुए भी दिख रहा है। ये सब कुछ ही हम इन चार ध्यानों में
विपश्यना के चार ध्यानों में देखते हैं। वेदनाएं उठती हैं, कभी दुख की उठती हैं, कभी सुख की उठती हैं, कभी सुख दुख से संबंध नहीं है फिर भी उठती हैं। उन सबको हम महसूस करते हैं, देखते हैं और यह भी देखते हैं कि वो उठी और उठते ही वो नष्ट हो गई। देखते हैं कि तरंग उठ रही है शरीर में, तब पता चलता है कि यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम उसको नित्य समझ रहे हैं, वो नित्य है नहीं, वो अनित्य है। विपश्यना में नित्य और अनित्य को समझना, विपश्यना में अनात्म को समझना कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं यह कह सकूँ यह मेरा है, क्योंकि जब तक मैं यह कह सकता हूँ कि यह मेरा सुख है, तब तक वह सुख विलीन हो जाता है, वो व्यय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और जब तक मैं ये कहता हूँ कि यह मेरा दुख है, तब तक वो दुख भी विलीन हो जाता है, वह भी व्यय हो जाता है। जब तक मैं कह पाता हूँ कि यह मेरा शरीर है, यह शरीर बदलता हुआ मुझे दिखाई देता है। जब तक मैं ये कहता हूँ यह मेरा मन है, तब तक मैं देखता हूँ कि यह मन मेरा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो नित्य है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्म है, सब कुछ ही अनात्म है। यह भाव गहरे में हमारे अंदर हमें अनुभव में आने लगता है। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें बताया है तब हमने मान लिया, अनुभव में आने लगता है और उस अनुभव के आधार पर हम अपने इस व्यक्तित्व को देख पाते हैं, अपने इस झूठे करैक्टर को देख पाते हैं, अपने इस बनाए हुए इंडिविजुअलिटी को, आइडेंटिटी को देख पाते हैं। यहाँ कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं जिसको यह कहा जाए कि यह एक आइडेंटिटी है, क्योंकि यह सब कुछ ही पल पल में बदलते रहने वाला और नष्ट होने वाला है। हमने देखा है एक पल पहले हम ठीक होते हैं और एक पल बाद ही हम नहीं होते हैं। हमने क्या ऐसा देखा नहीं? क्या हमने इतने एक्सीडेंट देखे? क्या हमने इतने प्राकृतिक आपदाएँ देखी? क्या हमने इतनी तरह तरह के वह सीन देखे जिनमें हमें एक पल पहले और एक पल बाद की कहानी बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है और अनात्मता और अनित्यता को हम अपनी आँखों से, अपनी बुद्धि से देख भी पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यह अनात्मता और यह अनित्यता हमारे अंदर से गई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी विपश्यना से वह शुद्धि की ही नहीं। यह स्वयं विमुक्ति है, यह स्वयं अपने ही अंदर अपने में देखने और प्रयोग करने वाली चीज़ है। इसके लिए दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए न तो कोई बाहरी किसी भी प्रकार की कोई भी रूपरेखा नहीं चाहिए। यह सब कुछ ही यह लैबोरेटरी खुद यह शरीर है, यह लैबोरेटरी खुद यह मन है। इस लैबोरेटरी में हमने प्रयोग करना होता है और यह प्रयोग का नाम है विपश्यना ध्यान साधना। और विपश्यना ध्यान साधना को हम चार प्रकार से करते हैं। कायानुपश्यना, हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं, शरीर के सिर से लेकर पांव के नाखून तक को हम अच्छे से अवलोकन करते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन में लाते हैं। इसमें क्या क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या क्या वेदनाएं चल रही हैं, क्या क्या तरंगे चल रही हैं, क्या क्या दुख और सुख चल रहे हैं, क्या क्या नित्य और अनित्य चल रहा है, इसको हम गहरे में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसको उठते हुए और व्यय होते हुए देखते हैं, उसको अभी वो दिखता है और अभी वो खत्म होता हुआ दिखता है और हम फिर वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। यह सब कुछ ही हम अपने अंदर महसूस करते हैं, इसको अपनी आँखों से और अपनी बुद्धि से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तब अनित्यता का पता चलता है। तब यह गहरे में अपने अंदर बात बैठ जाती है कि यहाँ कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं। तब यहाँ अंदर गहरे में यह बात बैठ जाती है कि यहाँ तृष्णा की तरफ दौड़ने से
कोई फायदा नहीं, यहाँ राग की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ द्वेष की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ मोह की कोई आवश्यकता नहीं। राग द्वेष और मोह की वजह से ही यह बहुबंधन है, और इस बहुबंधन से निकलने का तरीका है कि राग द्वेष और मोह से मुक्त होया जाए। और राग द्वेष और मोह से मुक्त होने के लिए ही हमें विपश्यना से आत्मनिर्जरा करनी होगी, मन को निर्मल करना होगा, मन को फिर से पवित्र और उत्तम बनाना होगा, वैसे ही जैसे उसका मूल स्वरूप है। मूल में मन वही है, लेकिन हमने उस मन के ऊपर अपने संस्कार, अपनी चाहत, अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं इतने बड़े ढेर बनाकर रख दी हैं कि अब हमें शुद्ध और निर्मल मन का पता ही नहीं चलता, जो सद्गुणों से भरा है, जो कुशल कर्म करने वाला है, जो जानता ही नहीं कि अकुशल क्या होता है, जो जानता ही नहीं कि नकारात्मकता क्या होती है। लेकिन आज हमने उसको ऐसी अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मन ज्योति स्वरूप है, मन का जो अपना मूल स्वरूप है वह सूर्य के तरह प्रकाशमान है, यह हम नहीं जानते। इसलिए आज हमारे अंदर शारीरिक रोग है, इसलिए आज हमारे अंदर मानसिक रोग है, इसलिए आज हम इन गहरे दुखों में गोते खा रहे हैं, और यह जीवन हमारा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। न तो हम शरीर को समझ पाते, न हम मन को समझ पाते। और अगर समझना है, अब अगर जागृति आ गई है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, फिर शुरुआत ध्यान की कर देनी चाहिए। और शुरुआत ध्यान की करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला यह शरीर है, इसी शरीर में प्रयोग करना है। हमें विपश्यना को, ध्यान साधना को गहरे में समझने की ज़रूरत है कि यहाँ न तो किसी संप्रदाय की आवश्यकता है, न किसी धर्म की आवश्यकता है, और न ही किसी भी प्रकार का बाहरी कोई भी आडंबर और दिखावा, रूढ़िवादिता और रिचुअल्स की। नमो बुद्धाय।